बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल सेफ एंड साउंड एट योर होम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फ्रॉम नेशनल पब्लिक हाई स्कूल। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग ऑन लेसन नंबर 2, ओपन पेज नंबर 9। लेसन नंबर 2, हाउ मैनी थिंग्स। आज का हमारा जो टॉपिक है लेसन का वो क्या है? हाउ मैनी थिंग्स, एच ओ डब्ल्यू हाउ, एम ए एन वाई मैनी, टी एच आई एन जी एस थिंग्स, हाउ मैनी थिंग्स, कितनी चीज़ें। ठीक है, थिंग्स का क्या मतलब होता है? चीज़ें। अंडरलाइन द वर्ड थिंग्स। T-H-I-S, this, I-S is, this is, a, P-I-C-T-U-R-E, picture, this is a picture, O-F, of, O-U-R, our, S-C-H-O-O-L, school, this is a picture of our school, देखें, ये our school है, पिक्चर है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ आवर स्कूल, ये मेरे स्कूल की, ये हमारे स्कूल की तस्वीर है। ओ यू आर आवर, एस सी एच डबल ओ एल स्कूल, आवर स्कूल, एच ए एस हैज, ओ एन ई वन, Our school has won, M-A-I-N main, G-A-T-E gate, our school has one main gate। ये देखें, इसका main gate कौन सा? ये एक main gate है। Our school has one main gate, हमारे school का एक main gate है। T-H-E-R-E, there, A-R-E-R, there are, T-W-O, two, there are two, M-A-N-G-O, mango, there are two mango, T-R-E-E-S, trees, I-N, in, I-T, it, in it, there are two mango trees, in it। This is a picture of our school. Our school has one main gate. There are two mango trees in it. इसमें दो आम के दरख्त हैं। There are, T-H-E-R-E, there, A-R-E-R, there are, T-H-R-E-E, three, there are three, P-L-A-Y, play, G-R-O-U-N-D-S, grounds, there are three playgrounds, I-N-N-I-T, it, in it, there are three playgrounds in it। वो अपने स्कूल के बारे में बता रहा है कि इसमें, पहले उसने बताया कि इसमें दो आम के दरख्त हैं, अब वो बता रहे हैं कि इसके अंदर स्कूल में तीन खेल के मैदान हैं। कितने खेल के मैदान हैं? तीन खेल के मैदान हैं। F I V E, फाइव, C H I L D R E N, चिल्ड्रन, फाइव चिल्ड्रन, A R E R, फाइव चिल्ड्रन आर, P L A Y I N G, प्लेइंग, P L A Y I N G, playing, T H E R E, there, five children are playing there, पांच बच्चे उधर खेल रहे हैं। ये देखें, ये दिखा रहे हैं ना, ये देखें, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव बॉयज़ जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे रीड किया हमने, फाइव चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर, F O U R, four,
BOYS boys, ARE four boys are WRITING writing, four boys are writing, SOMETHING something, four boys are writing something, चार लड़के कुछ लिख रहे हैं। ये देखें 1 2 3 4 फोर बॉयज यहाँ पे कुछ राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। फोर बॉयज आर राइटिंग समथिंग, चार लड़के कुछ लिख रहे हैं। एस आई एक्स सिक्स, पी ए डबल आर ओ टी एस पैरट्स सिक्स पैरट्स, ए आर ई आर सिक्स पैरट्स आर, एफ एल वाई आई एन जी फ्लाइंग सिक्स पैरट्स आर फ्लाइंग, I N N T H E the six parrots are flying in the AIR air. Six parrots are flying in the air. छह तोते हवा में उड़ रहे हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 6 सिक्स पैरट्स हैं ना जो फ्लाई कर रहे हैं हवा में। सिक्स पैरट्स आर फ्लाइंग इन द एयर। T H E R E there, A R E R, S E V E N seven, there are seven, B double O K S books, O and on, T H E the, there are seven books on the T A B L E table, there are seven books on the table, मेज पर सात किताबें हैं। ये देखें ये टेबल है, टेबल के ऊपर कितनी किताबें हैं 1 2 3 4 5 6 7 सेवन बुक्स ऑन द टेबल। ई आई जी एच टी एट, टी ई ए सी एच ई आर एस टीचर्स एट टीचर्स, टी ई ए सी एच टीच एट टीचर्स टीच एम वाई माई सी एल ए डबल एस क्लास एट टीचर्स टीच माई क्लास आठ असातज़ा मेरी क्लास को पढ़ाते हैं। एट टीचर्स टीच माई क्लास। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आई होगी और आपने मेरे साथ साथ पढ़ा होगा। एक दफ़ा फिर हम ड्रिल कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ आवर स्कूल। आवर स्कूल हैज़ वन मेन गेट। There are two mango trees in it. There are three playgrounds in it. Five children are playing there. Four boys are writing something. Six parrots are flying in the air. There are seven books on the table. Eight teachers teach my class. अब हम मीनिंग्स लिख लेते हैं यहाँ पर। पिक्चर तस्वीर, पिक्चर तस्वीर, स्कूल गेट दरवाज़ा ट्रीज दरख्त प्लेग्राउंड्स खेल के मैदान चिल्ड्रन बच्चे राइटिंग फोर बॉयज आर राइटिंग समथिंग। राइट का मतलब ऐसे प्यारे बच्चों होता है लिखना, लेकिन यहाँ पे राइटिंग है, आई एन जी है, तो लिखेंगे हम लिख रहे। ठीक है। सिक्स पैरट्स आर फ्लाइंग इन द एयर। एयर का क्या मतलब होता है? हवा।
फ्लाइंग उड़ना, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, फ्लाइंग उड़ रहे। बुक्स किताबें, टीचर्स असातिज़ा, टीच पढ़ाना, प्यारे बच्चों अभी हम लोगों ने किया है हाउ मैनी थिंग्स लेसन नंबर 2 की रीडिंग और इसके वर्ड्स मीनिंग ऊपर लिखे हैं। उम्मीद है कि आपको वर्ड्स मीनिंग की भी समझ आई होगी और रीडिंग की भी। आपने पेज नंबर 9 से रीडिंग करनी है हाउ मैनी थिंग्स, इस लेसन को पढ़ना है और जो मुश्किल वर्ड्स हैं इनके मीनिंग भी याद करने हैं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।